हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सीक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, क्या लोगों की बातों में आपका जिक्र होता है। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बातें आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी, जिसके चलते आपको व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू मुझसे ज्वाइंट होना होगा, कांटेक्ट करना है, बातचीत करनी है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। आपको कॉल नहीं करना है, इतना ध्यान रखिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। क्या लोगों की बातों में आपका जिक्र होता है? यूनिवर्स बताइए। टिकटॉक, यंग, ब्लिस्ट, ओके, यिन, यन एंड यिंग दोनों ही आ चुके हैं एनर्जी, ये बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों ही चीज़ों में आप अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हो, दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से संभाल सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी ध्यान देते हो उस चीज़ के ऊपर। दी टेम्पल पाथ, मैजिशियन एंड द मिरर, वेरी नाइस एनर्जी। एंड लास्ट है रिस्ट एंड रेजुवेशन, वेरी गुड। बॉटम टू डेक हमारे पास है डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आइसोलेशन, दी बर्डन, स्ट्रेस, तो ये तीनों एनर्जी आप संभाल सकते हो। प्लेफुलनेस, ये अच्छी बात है। काफी सुलझे हुए हो। डेस्टिनी, गिल्ट एंड लास्ट है बैलेंस, वेरी नाइस एनर्जी। यिन यांग की एनर्जी फिर से आई है, एक्सपेंशन, ओके। यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी 100% है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 70% है, यानी बहुत ही गहरी है, बहुत ज़्यादा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि जिस तरीके की आपकी एनर्जी है इसके मुताबिक आप बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, वो है यहाँ, तभी तो आप हर एक सिचुएशन को अच्छी तरीके से देख पाते हो, समझ पाते हो, उसको ठीक कर पाते हो, वो है यहाँ। अब यहाँ लास्ट एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, वो एनर्जी यहाँ 50% ही आई है, क्योंकि इस एनर्जी को आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हो, वो है यहाँ, इस वजह से 50% ही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके पास आ रही है या जो बातें आपके पास आ रही है, जो सिचुएशन है आपके पास आ रही है, इसको हर तरीके से सोचते हो और उसको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हो, और उसमें आप अपने आप को भी एक्सपेंस करते हो, यानी अपने आप को भी खर्च करते हो, चाहे वो एनर्जी से हो, पैसों से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, आप अपनी एनर्जी देते हो, इस वजह से आपकी एनर्जी में अप एंड डाउन्स होता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में आप लोगों के साथ जुड़ते भी हो और उनके साथ आपका एक डिस्टेंस मेंटेन भी रखते हो, वो है यहाँ।
अब आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी है कि आप अपने विचारों में तालमेल लाने की कोशिश हमेशा करते हो, जो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन रखते ही चलना पसंद करने वाले पर्सन हो। वैसे तो आप मैजिशियन की एनर्जी में हर बार बने रहते हो, लेकिन कभी कभी आपके विचारों में भी अस्थिरता या अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, और ये बात आप भी जानते हो क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे भी कुछ ना कुछ कभी कभी बहुत सारे विचारों की गहराई में हम डूब जाते हैं। तो वैसे आपके साथ भी होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी भी इंसान के साथ, तो वो बहुत ही एक जेन्यून है, नॉर्मल है। इस तरीके से आप भी लेते हो। बाकी आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसमें स्ट्रेस है, बर्डन है, एक प्रॉब्लम्स है, इसका आप सामना करते हो बखूबी से, और उसके लिए कैसे भी करके सॉल्यूशन लाना जानते हो। वैसे तो आप अपनी लाइफ में रेस्ट रहना या बहुत ही कूल माइंडेड रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। इस तरीके की आपकी एनर्जी है, आप अपने पावर को सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। आपका फेथ बिलीव सिस्टम बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ही आप बहुत सारी परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर पाते हो। आप वक्त को बहुत ही मायने रखने वाले पर्सन हो, वक्त को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले पर्सन हो। इस वजह से जो चीज़ें जब करनी है तब करनी ही है ऐसा आप मानते हो, इस वजह से आप कर भी जाते हो। तो वक्त की अहमियत आपके जीवन में है। ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि क्या लोगों की बातों में आपका जिक्र होता है। यस डेफिनेटली लोगों की बातों में आपका जिक्र होता है, लेकिन जो मैंने कहा कि आप डिस्टेंस मेंटेन रखने वाले पर्सन हो, जिस वजह से कहीं ना कहीं लोगों की बातों में जो आपका जिक्र निकलता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में ही निकलता है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। जैसे कि आप के बारे में लोग ये बातें करते हैं कि आप वक्त को संभालना जानते हो, या वक्त के मुताबिक दूसरों के साथ आपके रिश्ते सही ढंग से निखारना जानते हो, अच्छे करना जानते हो, आपको वक्त की अहमियत है। तो आपने किसी को वक्त दिया है या उनको कहा है कि मैं आपका ये काम कर दूंगी, तो फिर आप वो कर ही देते हो। तो आप अपने वक्त को अच्छे तरीके से निभाना जानते हो, यहाँ वफादारी भी है, आपकी ऑनेस्टी भी नज़र आती है, और आपको वक्त से सही तरीके से काम करना भी आता है, वो भी लोग देख पाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं वक्त से कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखे हो, ऐसा लोगों को लगता है। जो मैंने कहा आगे आपके लिए कि आप बहुत ही सुलझे हुए पर्सन लोगों को नज़र आते हो, आप अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना अच्छी तरीके से जानते हो। आप प्रैक्टिकल वे में भी बहुत अच्छे हो, इमोशनल वे में भी बहुत अच्छे हो, लोगों के साथ मेल जोल बिठाना, उनके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करनी, और फिर उनके से कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपनी चीज़ों को भी अच्छी तरीके से संभालना आपको आता है। इस तरीके से भी लोग आपको देख पाते हैं, आपके अंदर उनको ये नज़र आता है कि आप अपने स्थिरता को बनाए रखते हो, लोगों के सामने आपकी स्थिरता नज़र आती है, हर चीज़ में नज़र आती है, हर सिचुएशन में नज़र आती है। चाहे आप कितने स्ट्रेसफुल हो, लेकिन लोगों के साथ बदतमीजी से बातचीत नहीं करोगे। चाहे आपके जीवन में बहुत सारी बड़ी सिचुएशन आ चुकी है, इसके अब मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले के ऊपर इसका गुस्सा उतार रहे हो या उनके साथ टेढ़े मेढ़े तरीके से बातचीत कर रहे हो, ऐसा आपका स्वभाव लोगों ने नहीं देखा है। चाहे आप कितने भी स्ट्रेस में हो, चाहे कितने ही पेनफुल सिचुएशन में हो, फिर भी आप अपने आप को दूसरों के सामने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो, ऐसा लोगों को लगता है। लोग हर बार देख पाते हैं कि आप अपने विचारों में हमेशा बहुत ही ऊंचाई रखते हो, या अपने स्ट्रॉन्ग बिलीवेबल जो भी विचार है वो रखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके बातों में भी, आपके बिहेवियर में भी लोग देख पाते हैं कि आप काफ़ी अच्छे विचारों वाले पर्सन हो, ऐसा लोग देख पाते हैं। लोगों की बातों में इस वजह से भी आपका जिक्र होता है क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि आप अच्छी राय देते हो, अच्छा सॉल्यूशन देते हो, उनको एक शांति प्रदान करते हो। उनके साथ जब आप बातचीत करते हो तब कहीं ना कहीं उनकी सारी सिचुएशन उनका जवाब उनको मिल जाता है और वो शांति महसूस करते हैं। उनको हमेशा ये लगता है कि आप उनकी पीड़ा को समझते हो, उनकी समस्या को समझते हो, ऐसा उनको लगता है। तो कहीं ना कहीं
आप उनके दुख दर्द को समझने वाले एक अच्छे पर्सन हो, इस वजह से भी आपका जिक्र होता है। आपके लेकर लोग यही सोचते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत कुछ है आपके पास जो वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इस वजह से वो आपके साथ रहना भी पसंद करते हैं। जो मैंने कहा कि लोगों की जो भी बातें होती है उसमें ज़्यादातर आपकी पॉजिटिव बातें ही होती है, बहुत अच्छी बातें होती है, उनके बुरे भाव आपको लेकर इतना ज़्यादा यहाँ प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं, और आपको लेकर वो अच्छे भाव ही लाते हैं, क्योंकि उनके लगता है कि आप उनको सही मार्गदर्शन देते हो, सही उनको सलाह देते हो, आप अच्छे एडवाइज़र हो, सपोर्टिव हो, मोटिवेशन देते हो और उनको हमेशा सपोर्ट करते हो, ऐसा उनको लगता है। लोग आपको लेकर ये बातें बोलते हैं कि आप कभी भी हमें गिल्टी महसूस नहीं कराते हो, जो बातें हो बहुत ही आसानी से क्लियर कट कर देते हो और इस वजह से हमें भी अच्छा महसूस कराते हो, हमें हमारी तकलीफों को सामने से ही जानकर, जो मैंने कहा कि आप प्रैक्टिकल वे में काफ़ी स्ट्रांग हो, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लोगों के हाव भाव से ही उनके एक जीवन में जो भी तकलीफें हैं वो समझ जाते हो, भाप लेते हो, इस वजह से आप तुरंत भाप लेते हो और उनके साथ उस तरीके से पूछते हो, उनके साथ बातचीत करते हो, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, ये इंसान मेरे एक दुख दर्द को समझ सकता है, मेरी सिचुएशन को समझ रहा है, इस तरीके से मेरे साथ अच्छे तरीके से बातचीत कर रहा है, इस तरीके से लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में जो बात है वो लोगों को काफ़ी मज़ेदार और अच्छी लग रही है, लोग आपके साथ इंटरेस्ट से बातचीत करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप हमें समझ सकते हो। यहाँ जो मैंने कहा स्टार्टिंग में ही आपके लिए कहा कि आप प्रैक्टिकली और इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग पर्सन हो, जिसके चलते आप काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से वेल सेट करते हो, अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली आगे बढ़ाते हो और वो लोग देख पाते हैं, इस वजह से आपके बारे में बातें होगी क्योंकि आप उनको हर तरीके से सपोर्ट करते हो, हर तरीके से उनके साथ खड़े रहते हो और ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो आपके बारे में जिक्र करेंगे ही करेंगे क्योंकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को समझना जानते हो, उनके सिचुएशन को समझना जानते हो, उनके जीवन के हर एक जो भी पहलू है वो कहाँ क्या कर रहे हैं वो आपको पता होता है। चाहे आप रिश्तों को डिस्टेंस मेंटेन करते हुए निभा रहे हो, लेकिन आपको हर एक पर्सन के जीवन में कहाँ क्या कुछ चल रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से पता है, और कभी उनके जीवन में उनको हेल्प करनी है, कभी उनके जीवन में नहीं दखलंदाजी करनी है, वो आपको पता है। और ये बात आप जो याद रखते हो वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि इस इंसान को कैसे पता चला, ये इसने तो मेरे साथ दो हफ्ते से या एक महीने से बातचीत भी नहीं की, फिर भी इसको मेरे जीवन के बारे में इतना अच्छे तरीके से पता है और मुझे मदद करने आ रहा है या मदद करने आ रही है, इस तरीके से वो सोचते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है कि ये पर्सन मेरे जीवन को लेकर कहीं ना कहीं अच्छी सोच रखता है और मेरा ख्याल रखता है, मेरी केयर कर रहा है, इस तरीके से लोग देखते हैं। और क्या है, चले देखते हैं। आपको रिश्तों को निभाना अच्छी तरीके से आता है, इस वजह से लोग हमेशा आपको लेकर एक पॉजिटिव वे में बातचीत करते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है आपके बारे में बातचीत करना। आप एक फैमिली पर्सन हो उनके लिए, चाहे आप उनको 2 महीने के बाद मिल रहे हो या 6 महीने के बाद मिल रहे हो, आप उनके लिए एक फैमिली पर्सन ही हो। वो जब भी आप उनको मिलते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस कराते हो आप। क्वीन ऑफ कप, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ कप, चाहे आपकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, फिर भी आप दूसरों का जो ख्याल रखते हो या दूसरों के लिए जो फिक्रमंद रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे तरीके से रिश्ते निभाना आप जानते हो, ये 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। पेज ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
दी फूल, वेरी नाइस एनर्जी. बॉटम ऑफ द डेक है दी मून. यस, ये मून की एनर्जी तो बनी रहती है आपके जीवन में जो है. यहाँ जो सेवन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है किंग ऑफ पेंटिकल और फूल के साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलोगे, हमारे साथ धोखा नहीं करोगे, दगा नहीं करोगे. तो आपके लिए जो बातें होती है उसमें ये पॉसिबिलिटी उनको नज़र आती है कि आप एक विश्वास पात्र इंसान हो, आप कभी हमें बेवकूफ़ नहीं बनाओगे, आप हमें धोखा नहीं दोगे, आप हमारे साथ छल कपट नहीं करोगे. ये विश्वास उनका आपके साथ बंधा हुआ है वो नज़र आता है. उनको आपके साथ फ्रीडम नज़र आती है. उनको लगता है कि आप कभी भी इमोशनली हमें हर्ट नहीं कर सकते हो, ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं. और आपके साथ हम रिश्ता निभाएंगे तो वो लगातार लाइफ टाइम बना रहेगा, ऐसा भी वो मानते हैं. उनको हमेशा लगता है कि आप पैसों की वजह से भेदभाव करने वाले इंसान नहीं हो, कि हमारे पास पैसे हो या ना हो, इससे रिश्ते में किसी भी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं आ सकता है, ऐसा भी लोग मानते हैं. क्योंकि लोगों ने देखा है कि आप सामने से उसको लेकर भी गहराई से समझते हो कि सामने वाले पर्सन बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं, तो उनके साथ भी आपका एक तालमेल, आपका बिहेवियर व्यवस्थित और अच्छा ही होता है. आप ऐसा नहीं देखते हो कि उनके पास सब कुछ नहीं है तो उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करना है, या उनको बुलाना भी नहीं है और उनसे दूर चले जाना है. इस तरीके का बिहेवियर उन्होंने कभी नहीं देखा है. तो आप सच में वेल सेट तरीके से उनकी रिस्पेक्ट करना जानते हो, ऐसा लोगों को लगता है. आप कभी भी पैसों के मामले में कंजूसी नहीं करते हो. यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल एंड फाइव ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब होता है नाइन ऑफ पेंटिकल. तो डेफिनेटली यहाँ लोग ये भी देख पाते हैं कि आप बहुत ही फुलफिलमेंट के एनर्जी में रहते हो, यानी पैसों का घमंड आपके अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है. पैसों को कहाँ कितना खर्च करना है, कितने अपने आप के लिए खर्च करने हैं, अपने लोगों के प्रति इसका किस तरीके से हेल्प करनी है या किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हो. पेज की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों को सच में नज़र आता है कि आप बहुत ही चुलबुले और हंसी मजाक करने वाले पर्सन हो. आप ऐसा नहीं है कि बहुत घमंड करते हो, कुछ हेल्प कर रहे हो, कुछ मदद कर रहे हो, तो इसके चलते आपके बिहेवियर में एक बहुत ही रूडली लुक्स नज़र आ रहा है या घमंड नज़र आ रहा है, एटीट्यूड नज़र आ रहा है, ऐसा लोगों ने कभी भी नहीं देखा है. तो लोगों की बातों में आपका जिक्र होगा ही होगा, क्योंकि आप इस तरीके से रह रहे हो कि लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हो और लोगों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मज़ेदार और अच्छे बन रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और वो भी सिर्फ आपकी बदौलत है. क्योंकि आप लोगों के साथ उम्मीद से जुड़े नहीं हो, आप लोगों के साथ एक खुशी से जुड़े हुए हो, आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलते हो. ऐसा नहीं कि उनके साथ हर रोज़ अटैच रहते हो, ऐसा नहीं है. आपको पता है कि लोगों को अपनी स्पेस बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके मुताबिक ही आप रहना पसंद करते हो. इस वजह से लोग आपको पसंद कर रहे हैं और हर रोज़ उनकी बातों में आपका जिक्र होता ही होता है, और वो भी बहुत खुशी से होता है. ये है रीडिंग. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. लव यू, बाय.